देखिए ये पाइनएप्पल के पीसे जो काट कर हमने हलवे में डाले हैं, इसके कारण हलवा कितना सुंदर लग रहा है। इसी के साथ ये पीसे पकने से हल्के से सॉफ्ट और मीठे हो गए हैं। हर एक निवाले के साथ जब ये पीसे जाते हैं तो हलवे के जो फ्लेवर है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे जब हम कई बार फ्रूट का हलवा खाते हैं तो उसमें उस फ्रूट का फ्लेवर और स्वाद इतना अच्छा उभर के नहीं आता है, लेकिन आज जिस विधि से हम इस पाइनएप्पल का हलवा बनाएंगे उसमें पाइनएप्पल का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आइए जानते हैं ऐसा पाइनएप्पल का हलवा बनाने की विधि। हलवा बनाने के लिए हमने एक पाइनएप्पल लिया, उसको छील के उसके सारे कांटे निकाल दिए हैं। कांटे निकालने के बाद में इनकी स्लाइसेज बना दिए। अब इन स्लाइस को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड में हमने तीन स्लाइस रखी है, अब इन तीन स्लाइस के हम पीसेज बनाएंगे, बाकी को हम साइड में रख देते हैं। इन पीसेज को एज इट इज ही हम हलवे में डालेंगे, उससे हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं हमने सबके इस साइज के पीसेज काट लिए हैं। आप इनके जो पीसेज जब काटें तो एकदम बारीक पीस नहीं काटें, बारीक पीस काटेंगे तो वो हलवे में गल जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। अभी इन पीसेज को हम साइड में रख देते हैं और बाकी बचे हुए पाइनएप्पल के जो स्लाइस हैं उनके हम जूस निकालेंगे। जूस निकालने के लिए हमने मिक्सी का जार लिया है, आप जूसर भी यूज कर सकते हैं। मिक्सी हर एक के घर में होती है इसलिए हम मिक्सी में बना के आपको बताते हैं। तो इसका जूस निकालने के लिए हम इसके बड़े बड़े पीसेज काट के मिक्सी में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट बन गया है, पर इस पाइनएप्पल के पेस्ट में बहुत से रेसे हैं, तो अगर डायरेक्टली इसको हलवा बनाने में यूज करेंगे तो ये रेसे खाने में हमको अच्छे नहीं लगेंगे। तो इन रेसों को अलग करने के लिए इस पेस्ट को हम एक बार छान लेते हैं। छानने के लिए हमने एक बॉल लिया है, बॉल के ऊपर एक कपड़ा लगा देते हैं और ये सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके चारों कॉर्नर पकड़ के इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। आप देख सकते हैं पूरा रस निकल गया है। अभी ये जो फाइबर बचे हुए हैं या रेसे बचे हैं इसको आप कोई भी पौधे के अंदर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए अब इस जूस को मेजर कर लेते हैं, ये वॉल्यूम में कितना है। हाँ, ये एक कप है और करीब आधा कप इसमें है, तो करीब डेढ़ कप जूस निकला है एक पाइनएप्पल में से। अभी इस डेढ़ कप पाइनएप्पल के जूस को हम साइड में रख देते हैं और अभी हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन लिया है, इस पैन के अंदर क्वार्टर कप घी डाल देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। मीडियम आँच में इसको रखते हैं। अब इस घी में आधा कप सूजी डाल देते हैं, ये बारीक रवा है, अगर आपके पास बड़ा रवा है तो उससे भी हलवा अच्छा बन जाएगा। आप घी की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली मिठाई बनाते हैं तो घी में ही बनाना अच्छा लगता है। रवा को सेकने के लिए आप आँच मीडियम से स्लो के बीच में रखें। रवा आधा सिक गया है, अब इस स्टेज में दो टेबल स्पून कटी हुई बादाम इसमें डाल देते हैं, इसको भी हल्का सा सेक लेते हैं। रवे को हमने करीब दो मिनट तक सेका था, अभी बादाम के साथ में इसको दो मिनट और सेक लेते हैं। करीब दो ढाई मिनट हो गए हैं, अभी बादाम और रवा अच्छी तरह से सिक गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब इस स्टेज में जो हमने डेढ़ कप रस निकाला था वो इसमें डाल देते हैं। आंच को भी तेज कर देते हैं। अब इसमें करीब 1/3 कप शक्कर डाल देते हैं। शक्कर की मात्रा पाइनएप्पल की मिठास के ऊपर डिपेंड करती है और स्वाद के अनुसार आप शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसी के साथ जो हमने पाइनएप्पल के छोटे पीसेज काट के रखे थे वो भी इसमें डाल देते हैं। इसके साथ पकने से पाइनएप्पल के पीसे जो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके साथ मीठे भी हो जाएंगे। हमारा डेढ़ कप रस है वो काफ़ी इसमें बराबर रहा है, अगर आपका रस कम पड़े तो रस की जगह थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि हलवे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में हलवा काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अभी इस स्टेज में आँच को धीरे कर लें और खुरपे को आप नीचे से रगड़ते हुए चलाएं ताकि नीचे जमाव नहीं हो। हलवा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं ताकि नीचे जमाव नहीं हो इसका। अब आखिर में इसमें एक टेबल स्पून कटे हुए पिस्ता डाल देते हैं। पिस्ता ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इससे स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। तो आपने देखा ये पाइनएप्पल का हलवा कितना आसानी से और जल्दी बन गया। इन त्यौहारों में आप ही अपने घर में बनाइए। और ये हमारा वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर ज़रूर बताइए। इसी तरह के दूसरे वीडियो देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।